9 सितंबर 1737 को इतावली भौतिक विज्ञानी और चिकित्सक लुइगी गैल्वानी का जन्म हुआ। अपनी पढ़ाई के दौरान उनकी प्रारंभिक रुचि पशु शारीरिक संरचना में थी। उन्होंने गुर्दे की नलिकाएं, नाक की श्लेष्मा और मध्य कान आदि पर काम किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन बनने के बाद उन्होंने अपने शोध कार्य को इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में बदल दिया। हालांकि गैल्वानी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन के बगैर एक मरे हुए मेंढक पर प्रयोग किया। उन्होंने मेंढक की रीढ़ की हड्डी में एक पीतल का हुक लगाया और फिर उसे लोहे की रेलिंग में लटका दिया। इसी प्रयोग पर आगे चलकर वैज्ञानिक वोल्टा ने काम किया। लुइगी गैल्वानी ने पहली बार अपने परिणामों की व्याख्या को एनिमल इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर परिभाषित किया। 12 सितंबर 1897 को फ्रांसीसी रसायनज्ञ आइरीन जूलियट क्यूरी का जन्म मशहूर वैज्ञानिक मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के घर में हुआ। वैज्ञानिक परिवेश में पली बढ़ी आइरीन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक नर्स रेडियोग्राफर के तौर पर अपनी माँ मैरी क्यूरी की सहायता की। अपने वैज्ञानिक पति फ्रेडरिक के साथ उन्होंने प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियोधर्मिता, तत्वों और परमाणु भौतिकी के प्रसार पर महत्वपूर्ण काम किए। 1938 में आइरीन द्वारा भारी तत्वों पर न्यूट्रॉन की क्रिया का शोध यूरेनियम विखंडन की खोज की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। 1935 में आइरीन जूलियट क्यूरी और उनके पति फ्रेडरिक को रेडियोधर्मी तत्वों के संश्लेषण की पहचान के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 12 सितंबर सन 2002 इसरो ने मेटसैट उपग्रह लॉन्च किया। ये भारत का पहला विशेष मौसम उपग्रह था जिसे भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के सम्मान में कल्पना वन नाम दिया गया। आपको बता दें, कल्पना चावला की कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कल्पना वन उपग्रह में बहुत अधिक रेजोल्यूशन वाले रेडियो मीटर लगाए गए हैं जो पृथ्वी के दृश्यमान थर्मल अवरक्त और जल वाष्प बैंडिंग को इमेजिंग करने में सक्षम है। इसमें अपर्याप्त मौसम प्लेटफॉर्म से डेटा एकत्रित करने के लिए एक डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर भी है। इस उपग्रह से प्राप्त होने वाले मौसम आंकड़ों ने मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले मौसम पूर्वानुमान की सटीकता को बढ़ा दिया।